हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 कम्युनिकेशन का। ये हमारा फोर्थ सेशन रहेगा और अभी तक आपने बाकी सेशंस को नहीं देखा है तो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लेना। यदि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो कि आपको फॉलो करनी है। पेपर वन की प्रिपरेशन जो है वो आपको इसी प्लेलिस्ट में, जितने भी हमारे सेशन रहेंगे वो हमारे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिएगा, एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और बाकी हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, सेल्फ टॉक, यानी कि एक पर्सन जब खुद से बात करता है। इंटर पर्सनल, जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ बात करता है उसे हम इंटरपर्सनल कहते हैं। और ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, ये सब हमने लास्ट सेशन में बिल्कुल अच्छे से जो है वो कवर कर लिया है। तो अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन में भी क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल और लिटरल, लेटरल और साइडवे कम्युनिकेशन क्या है, और डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मैथड रिटन कम्युनिकेशन क्या है, ऑरल कम्युनिकेशन क्या है, ये सब हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ। कम्युनिकेशन को मे बी क्लासीफाई किया गया है सेवरल कैटेगरीज में। सबसे पहले आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप, यानी कि संगठनात्मक संरचना और संबंध के आधार पर कम्युनिकेशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है जो कि हम समझेंगे, जहां पर फिक्स टाइम, फिक्स स्पेस, फिक्स स्ट्रक्चर की बात करी जाती है। जैसे कि आप स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, तो जब टीचर और स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। आपके अपने फ्रेंड के जैसे आप अपने टीचर से बात कर सकते हो, नहीं कर सकते। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है जैसे कि आप जब अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ बात कर रहे हैं, जहां पर आपको कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी क्राइटेरिया फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी आपको जैसे कि आप जैसे मर्जी चाहे जैसे बात कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाउ और डायरेक्शन, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल और लेटरल और साइडवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, एंड डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। डायगोनल या जो भी आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करना चाहें वो कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैथड और मीडिया और एक्सप्रेशन के बेस पर जो है वो कम्युनिकेशन किस तरह का होता है। रिटन मीन लिख कर जो है आपका कम्युनिकेशन किया जाता है, यानी कि लिखने के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से कम्युनिकेशन जब किया जाता है, बातचीत करी जाती है। ओरल कम्युनिकेशन, ओरली तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। गेस्चर और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि कोई इशारा और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कि हम समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेस पर जो है वो कम्युनिकेशन किस तरह का रहता है। तो सबसे पहले आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको सिर्फ ये याद रखना है जहां पर आपको पार्टिकुलर फिक्स टाइम, फिक्स डिसिप्लिन जो है आपको अपनाना पड़ता है किसी कम्युनिकेशन के लिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज दैट विच टेक प्लेस थ्रू अ फॉर्मल चैनल, यानी कि जब आपको फॉर्मल चैनल के माध्यम से कम्युनिकेशन करना होता है, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपको स्ट्रक्चर और डेलिबरेटली और कंसाइंसली जो है वो आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है, अपनी बातचीत करनी पड़ती है, ठीक है। और ये इंप्लाई करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अलोंग द लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉर्मली जो कि एस्टैब्लिश्ड करी गई, जैसे कि वर्टिकल कम्युनिकेशन, कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक वर्टिकल अथॉरिटी, तो अथॉरिटी कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे कि प्रिंसिपल है कॉलेज की, वो अपने जूनियर जो सबॉर्डिनेट होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, उनसे बात करेंगे। जो सबॉर्डिनेट प्रोफेसर होंगे वो अपना इंफॉर्मेशन जो है वो अपने क्लरिकल पोस्ट वाले जो अथॉरिटी होगी उनको पहुंचाएंगे, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल, यानी कि एक लाइन,
ठीक है, आप अथॉरिटी टू अथॉरिटी किस तरह से कम्युनिकेशन किया जा रहा है, जहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो आपको फॉलो करना पड़ता है, उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अपनी डिसीजन, ठीक है, जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अपने डिसीजन को बता रहे हैं, अपनी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसको, अपने सबॉर्डिनेट, जो उनके सबॉर्डिनेट अथॉरिटी काम कर रही है। तो ये क्या है, आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड, यानी कि सुपीरियर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को अपना जो भी डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन है वो दे रही है, ठीक है। एंड इन द सेम मैनर फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो अपवर्ड, और जब देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन चाहे डाउनवर्ड है, यानी कि सुपीरियर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है, या कोई लोअर अथॉरिटी सुपीरियर अथॉरिटी तक दो है कोई भी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट पहुंचा रही है, ये दोनों ही आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएंगे। जहां पर आपको बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन पहुंचाने के लिए या कोई भी डिसीजन देने के लिए आपको एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपका डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों ही आता है। डाउनवर्ड में क्या होता है, जहां पर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो डाउन यानी कि सबॉर्डिनेट अथॉरिटी की तरफ जाता है, और अपवर्ड में क्या है, जो कम्युनिकेशन है आपका सुपीरियर अथॉरिटी की तरफ जो है वो जाता है। इन द सेम मैनर फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो अप द अपवर्ड व्हेन सबॉर्डिनेट रिपोर्ट करता है किसको, सुपीरियर को। अब सच कम्युनिकेशन, ये आपका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो जनरली राइटिंग में भी हो सकता है और किसी अदर फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि आपका पॉलिसी मैनुअल हो गया, ठीक है, एंड प्रोसीजर और रूल बुक हो गया, मेमोरेंडा पेपर और ऑर्डर हो गया। जैसे कि ऑर्डर दिया जाता है ना, जैसे कि ऑर्डर दिया जाता है, सुपीरियर अथॉरिटी देती है लोअर अथॉरिटी को, लोअर अथॉरिटी देगी अपने लोअर को, इस तरह से अथॉरिटी डाउनवर्ड या अपवर्ड। जैसे अपवर्ड में, डाउनवर्ड में क्या होगा, सुपीरियर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को ऑर्डर करेगी, और अपवर्ड में जो लोअर अथॉरिटी है वो रिपोर्ट देगी, अपनी रिपोर्ट देगी कि आपने जो हमें काम सौंपा था वो हमने अच्छे से कर लिया है। मेमोरेंडा पेपर और ऑर्डर, ऑफिशियल्स कोई मीटिंग करवानी है या इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, तब भी आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि जहां पर फिक्स टाइम, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जहां पर फिक्स टाइम है, फिक्स प्लेस है और फिक्स कोई क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका इंटरव्यू, ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, तो वो भी आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर करता है जहां पर कम्युनिकेशन किया जाता है दैट फ्लो विदाउट फॉलोइंग फॉर्मल डिफाइंड पाथ, कि आपको किसी भी तरह के फॉर्मल पाथ की जरूरत नहीं है, आप कभी भी इनफॉर्मल वे में, जैसे कि आप ग्रुप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब आप चार पांच लोग अपने फ्रेंड्स बैठे हैं और आप जो है वो बातचीत किए जा रहे हैं, ठीक है, कोई फॉर्मल वहां पर मीटिंग नहीं चल रही है, कोई फॉर्मल वहां पर डिस्कशन नहीं हो रही है, बिल्कुल जो है वो विदाउट एनी फॉर्मल डिफाइंड पाथ के जो कम्युनिकेशन फ्लो होता है, तो उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज ग्रेप बाइंड। ग्रेप बाइंड क्या होता है, अंगूरी गुच्छे की तरह, जैसे कि मतलब कोई भी इस झुंड में बैठा हुआ है, कोई भी बातें जो है वो करेगा, ठीक है, ये होता है आपका ग्रेप बाइंड, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है कि आपको इस तरह से बातचीत करनी है, आप मतलब जैसे अपनी फैमिली के साथ बात करते हो, जैसे कि ये देखो है ना कि यहाँ कोई मीटिंग नहीं चल रही है, ठीक है, कोई मीटिंग नहीं चल रही है, बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह से बात करें। मान लीजिए यहाँ पर लंच टाइम चल रहा है और यहाँ ये कंपनी के जो एम्प्लॉई है ये आपस में फ्रेंड है और ग्रुप में जो है वो बातचीत कर रहे हैं, ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पर जो है वो कम्युनिकेशन किस तरह से होता है। डाउनवर्ड, जो कि मैंने आपको पहले बताया, जब सबॉर्डिनेट अथॉरिटी, ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन किया जाता है, सबॉर्डिनेट इज नॉट एज अ वर्टिकल, जब सुपीरियर सॉरी सुपीरियर से लेकर सबॉर्डिनेट तक जो कम्युनिकेशन होता है वो हम उसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, जैसे कि ये आपके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और ये उनके सबॉर्डिनेट हैं, है ना, जैसे सेक्रेटरी हो सकते हैं, ये उनके सबॉर्डिनेट हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी हो सकते हैं और ये हैं लास्ट में पीएम। यानी कि जब सुपीरियर अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को वर्टिकल वे में कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, उसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन में भी डाउनवर्ड
और वर्टिकल कम्युनिकेशन और अपवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन हो सकता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है कि कम्युनिकेशन जहां पर फ्लो हो रहा है फ्रॉम द सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, जैसे कि सुपीरियर अथॉरिटी से जो है वो कम्युनिकेशन सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को हो रहा है ना, ये यहाँ पर सबॉर्डिनेट अथॉरिटी है, इसकी तरफ जो है वो कम्युनिकेशन जा रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी फ्लो हो रही है सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, और इसमें फॉलो करनी पड़ती है लाइंस ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, टॉप टू बॉटम की ओर, यानी कि जो टॉप में अथॉरिटी बैठी है वो लोअर अथॉरिटी को ऑर्डर करेगी, ये अपनी उस लोअर अथॉरिटी को ऑर्डर करेगा, इस तरह से बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में जो है वो आपका कम्युनिकेशन होगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मस्ट बी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के लिए ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये अपने असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, ये अपने प्रोडक्शन सुपरवाइजर को ऑर्डर दे रहे हैं, और ये लास्ट में वर्कर को दे रहे हैं, तो ये आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है, जहां पर जो टॉप लेवल का व्यक्ति है वो मिड लेवल मैनेजमेंट को ऑर्डर दे रहा है, ये लो लेवल मैनेजमेंट को ऑर्डर दे रहा है, और ये वर्कर को ऑर्डर दे रहा है, ये सब जो है आपका केस में आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आता है। इसकी नीड क्या है कि इट टू गेट थिंग डन, कि कुछ ऑर्डर फॉलो करवाना होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है ये आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, टू प्रिपेयर फॉर चेंजेस, यदि कोई चेंजेस लाने हैं यानी कि कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तब भी ये बहुत अच्छा रहता है, एंड डिस्करेज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सस्पिशन, ठीक है, कि समझ की कमी और संदेह को हतोत्साहित करना, ठीक है, एंड लेट द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप फीलिंग ऑफ प्राइड ऑफ बीइंग वेल इन्फॉर्म अबाउट ऑर्गेनाइजेशन मैटर, ठीक है, कि संगठन के सदस्य को सभी संगठनात्मक मामलों के बारे में अच्छी तरह से जो है वो सूचित होने पर गर्व की भावना जो है वो विकसित करने देगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड समझ में आ गया है कि जहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी डाउन तरफ की जा रही है, जैसे कि सुपीरियर टू इंफीरियर की ओर जो है वो कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि नोटिस इश्यू करना है तो हमेशा ही लीगल नोटिस या कोई भी तरह का नोटिस, ठीक है, जब भी आपको फॉर्मल वे में कोई नोटिस पहुंचाना है तो आपको इसी तरह से फ्लो ऑफ जैसे कि सुपीरियर टू इंफीरियर जो है वो दिया जाता है। सर्कुलर इंस्ट्रक्शन देनी है तभी सुपीरियर ही देगा इंफीरियर को या सबॉर्डिनेट को, ऑर्डर देना है, लेटर देना है, मेमोज देना है, ठीक है, और बुलेटिन, हैंडबुक, एनुअल रिपोर्ट और लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट एंड ग्रुप मीटिंग, ठीक है, ग्रुप मीटिंग के लिए भी कोई ना कोई लीडर होगा, वही ग्रुप मीटिंग के लिए अनाउंस करेगा अपनी सबॉर्डिनेट को। अब है आता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो लोअर लेवल की और जो है वो जाता है, ठीक है, लोअर लेवल की और से लेकर सुपीरियर लेवल की और जाता है, उसमें हम पढ़ रहे थे डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से हम यानी कि सुपीरियर अथॉरिटी टू इंफीरियर हम आएंगे, और डाउनवर्ड में जो है वो हम क्या करेंगे, सॉरी अपवर्ड में हम क्या करेंगे, सुपीरियर अथॉरिटी अपने सीनियर 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 से होते हुए हाई लेवल तक जाएंगे, यानी कि यहाँ पर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लोअर लेवल टू लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी तक जो है वो जाएगा। इट पासिस फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, यहाँ पर सबॉर्डिनेट अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ जाती है, सुपीरियर की ओर जाती है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लें कि जो वर्कर है, ठीक है, सबसे पहले ये आपका वर्कर है, वर्कर इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा फोरमैन को, फोरमैन मैनेजर को, ठीक है, मैनेजर जो है वो अपने जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर जो है वो अपने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। देखो यहां पर है आपका वर्कर सबसे नीचे, ठीक है, तो वर्कर अपनी इंफॉर्मेशन किसको पहुंचाएगा, फोरमैन को, फोरमैन किसको पहुंचाएगा, मैनेजर को, मैनेजर किसको पहुंचाएगा, जनरल मैनेजर को, ठीक है, जनरल मैनेजर को, उसके बाद ये चीफ एग्जीक्यूटिव तक जाएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक जाएगा, यानी कि जहां इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी सबॉर्डिनेट से सुपीरियर लेवल तक जो है वो जाती है, यानी कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आपका सुपीरियर टू इंफीरियर की ओर जा रहा है, सॉरी इंफीरियर टू सुपीरियर की तरफ जा रहा है, यानी कि लोअर अथॉरिटी से जो है वो आपका इंफॉर्मेशन
अपर अथॉरिटी को जा रहा है, तो वो होता है आपका अपवर्ड, यानी कि ऊपर की ओर जाना। ठीक है, तो इट इसमें इंक्लूड होता है जैसे कि ओपिनियन, आइडिया, सजेशन, कंप्लेन, जैसे कंप्लेन पहुंचा, कंप्लेन करनी हो तो वर्कर करेगा, फोरमैन तक कंप्लेन पहुंचेगी, फॉरमैन मैनेजर को देगा, मैनेजर जनरल मैनेजर को देगा, चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा, या कोई रिपोर्ट पहुंचानी होती है। ठीक है, तो इस तरह से अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो किया जाता है। देखो डाउनवर्ड में हमने देखा था कि यहाँ पर सुपीरियर अथॉरिटी है, ठीक है, जैसे कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव को जो है वो अपनी कोई ऑर्डर देंगे, फिर आपके जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर मैनेजर को भेजेगा, उसके बाद लास्ट में वर्कर तक जाएंगे, यानी कि डाउन की तरफ जा रहा है इंफॉर्मेशन। ये आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या है, इंफॉर्मेशन ऊपर की ओर जा रही है, सबसे पहले वर्कर और एम्प्लॉई लो लेवल मैनेजमेंट को पहुंचाएंगे, मिड लेवल मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जो है वो जाएगी। ठीक है, यानी कि अपवर्ड ऊपर की ओर कम्युनिकेशन जो है वो जा रहा है। ठीक है, और अपवर्ड कम्युनिकेशन इज नीडेड, कि अपवर्ड कम्युनिकेशन की क्या कुछ आवश्यकताएं हैं, तो क्रिएट करना रिस्पेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि यदि आप अपवर्ड की ओर कम्युनिकेशन में जाते हैं, यानी कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अपवर्ड की ओर है, तो वहां पर ग्रहणशीलता जो है वो पैदा होती है, रिसेप्टिवनेस जो है वो आपकी पैदा होती है। क्रिएट करना सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थ्रू अ एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, कि सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपनेपन की भावना जो है वो पैदा करना। इवेल्युएट करना द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, के संचार की भावना प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, और टू इंक्रीज करना मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का मनोबल जो है वो बढ़ाना, टू मेक, यानी कि अब देखो कि यदि आप उनसे आइडियाज लोगे, ठीक है, लोअर लेवल से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर के लिए तो जा रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप वर्कर से आइडिया लोगे, उनका सजेशन लोगे, तो उस क्या होगा, उन कर्मचारियों का मनोबल जो है वो बढ़ेगा। टू मेक इम्प्रूवमेंट इन मैनेजरल डिसीजन, की डिसीजन में जो मैनेजरल डिसीजन लिए जाते हैं उसमें भी जो है वो काफी ज्यादा हेल्प रहेगी और इम्प्रूवमेंट होगा इन द मैनेजरल डिसीजन में। और टू कोऑर्डिनेट एफर्ट, टू ऑर्डिनेट एफर्ट्स एंड टू नो आइडिया ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि सभी लोगों का क्या मिलेगा, विचार मिलेगा, आइडिया मिलेंगे, क्या कुछ जो है वो नए तरीके से हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी में किस तरह से जो है वो अच्छे तरीके से काम करना है। एग्जाम्पल क्या है, अब लोअर लेवल से वर्कर रिपोर्ट देगा अपने फॉरमैन को, फॉरमैन जो है वो अपने जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर ज्वाइंट सेक्रेटरी आपके चीफ एग्जीक्यूटिव को, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ऊपर किसको देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देंगे। ठीक है, तो आपके रिपोर्ट, मीटिंग्स, इंटरव्यूज, कॉन्फ्रेंस, लेटर, कंप्लेन, सजेशन, सर्वे, यूनियन पब्लिकेशन, ग्रेपवाइन, ये सब जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं, आपके अपवर्ड कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आ रहा है आपका नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल लेटर और साइड वे कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, अब यहां पर आपको समझ में आया होगा कि जब हम डाउनवर्ड की तरफ बात करते हैं तो हम सबॉर्डिनेट टू लोअर की तरफ आ रहे थे, फिर अपवर्ड की बात करी तो हम सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की ओर जा रहे थे, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जब आप अपने सेम लेवल के व्यक्तियों से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जहां पर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब सेम लेवल के व्यक्ति, जैसे स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन हो रहा है, टीचर टू टीचर हो रहा है, उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसे दिस इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो ऑल्सो नॉन एज लेटर और साइड वर्ड और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। यूजली इट पर्टेन टू इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन, इसे हम इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, और कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिपार्टमेंट, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर आपस में बात करते हैं, वो सेम लेवल के हैं। ठीक है, और अमंगस द सबॉर्डिनेट वर्किंग अंडर द वन बॉस, ठीक है, यानी कि सेम लेवल के मैनेजर जो है, सेम डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर, सॉरी, तो वो सेम लेवल में आते हैं, जब सेम लेवल, जैसे कि मान लीजिए टीचर टू टीचर, ठीक है, एक टीचर दूसरे टीचर से बात करता है, तो ये सेम लेवल के है ना, सेम अथॉरिटी है उनके पास, तो जब सेम अथॉरिटी या सेम लेवल ऑफ पर्सन जो है वो अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि
यहां पर देखो एग्जाम्पल, यहां पर सब आ जाएंगे। डाउनवर्ड यानी कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बात करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर से, जनरल मीटिंग से, इस तरह से जनरल मैनेजर से, तो ये आपका डाउनवर्ड में आएगा। अपवर्ड जब आपके जनरल मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब ऊपर की ओर जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये तीनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ऑफिसर 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 ऑफिसर, ये सेम लेवल के व्यक्ति हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज जनरली एंड इनफॉर्मल इन नेचर भी हो सकता है, ठीक है, कि मोस्टली क्या होता है, जब भी सेम लेवल के व्यक्ति जो है वो बात करते हैं, जैसे कि टीचर और टीचर, टीचर टू टीचर, ठीक है, ऑफिसर टू ऑफिसर, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, तो वहां पर आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि अनौपचारिक प्रकृति का जो है वो संचार होता है, ठीक है। वेन एवर अ डिपार्टमेंट हेड रिक्वायर द सेम इंफॉर्मेशन, जब भी किसी विभाग अध्यक्ष को दूसरे विभाग अध्यक्ष से कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है तो वो सीधे उससे संपर्क में आते हैं, हालांकि इस प्रकार का संचार जो है वो मौखिक या लिखित जो है वो हो सकता है, यानी कि हाउ एवर दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ऑरल और रिटन, ठीक है। अब है आपका डायगोनल, ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होती है इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल हु आर ना तो वो सेम डिपार्टमेंट के हैं, ना ही तो वो सेम लेवल के हैं, ना ही सेम ऑर्गेनाइजेशन के हैं, और ना ही वहां पर कोई हायरार्की जो है वो फॉलो करने की जरूरत है, उसे हम डायगोनल, ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर कम्युनिकेट कर रहा है विद अकाउंट क्लर्क के साथ डायरेक्टली, डायगोनल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। दिस इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी बाय स्पीडिंग अप इंफॉर्मेशन एंड कटिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट वेरियस, ठीक है। जैसे कि आपका ये पर्सन इससे बातें कर जा रहा है, ये पर्सन इनसे, इससे इससे, मतलब कोई भी वहां पर क्राइटेरिया हायरार्की फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि आपको अपवर्ड की तरफ जाना है, लोअर वर्ड की तरफ जाना, मतलब डाउनवर्ड की तरफ जाना, बिल्कुल वहां पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बंधता नहीं है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो, स्ट्रक्चर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन इससे कम्युनिकेशन करता है, ये पर्सन इससे कर रहा है, ये पर्सन इससे कर रहा है, इस तरह से कोई भी, जैसे यहां से कोई भी यहां से बातें कर सकता है, ठीक है, वो आपका डायगोनॉलिकल कम्युनिकेशन में आता है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया एंड एक्सप्रेशन, तो बोले थर्ड टर्म कम्युनिकेशन, मीडिया रेफर करता है मीडियम यूज इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि आपका विभिन्न तरह के आपके वर्ड्स, पिक्चर, एक्शंस, ये सब आपके मीडिया में यूज होते हैं, जहां पर इनका जब यूज किया जाता है, क्यों, जब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना होता है, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डिफरेंट पर्सन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम क्या है थ्रू विच द कम्युनिकेशन टेक प्लेस इज अ वर्ड, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शब्द जिनका प्रयोग हम संचार के लिए करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, सबसे पहले आपका द टर्म कम्युनिकेशन जो संचार वर्ड है, ठीक है, यानी कि जो द टर्म कम्युनिकेशन मीडिया रेफर करता है, एक जब हम किसी मीडियम का यूज करते हैं, जैसे यदि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रही हूँ, मेरा लैपटॉप, पीपीटी, ये सब क्या है, मीडियम है, जिससे जिसके माध्यम से मैं अपनी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा पा रही हूँ, तो मीडिया यूज इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, जहां पर ट्रांसमिशन किया जाता है मैसेज का एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि आपका वर्ड्स पिक्चर एक्शन, ये सब क्या है, आपके मीडिया है, ठीक है, जो कि यूज किए जाते हैं एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं इस पीपीटी का यूज, इस इन वर्ड्स का यूज कर रही हूँ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डिफरेंट पर्सन, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मीडियम क्या रहता है कम्युनिकेशन का, सबसे ज्यादा वर्ड्स जिनका हम यूज करते हैं, दूसरा पिक्चर्स और इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, मॉडल्स, ब्लू प्रिंट्स या गेस्चर्स, स्माइल, साइलेंस, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ आई, ठीक है, तो ये सब आपके क्या रहते हैं, मीडियम रहते हैं। इन सब का यूज क्यों किया जाता है, ताकि कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो सके। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होती है जब आपको इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे तक पहुंचाई और उस पर्सन ने आपका
रिप्लाई भी करा, यानी कि जब आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है तो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन मानी जाती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये सब हम नेक्स्ट आने वाले सेशन में कवर करेंगे। कम्युनिकेशन का पर्पस, कम्युनिकेशन पर्पस, ऑडियंस, क्वालिटीज ऑफ कम्युनिकेटर एंड द सिचुएशन मस्ट बी कंसिडर इन सिलेक्टिंग द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार के माध्यम से चयन करते समय संचार उद्देश्य, श्रोताक्षा, संचारक के गुण और स्थिति पर जो है वो विचार किया जाना चाहिए। तो वेरियस मीडिया है, यानी कि अलग अलग तरह के मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है जिनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है आपका रिटन कम्युनिकेशन, फिर आता है आपका ओरल कम्युनिकेशन, गेस्चर एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। जब कम्युनिकेशन यानी कि संचार किया जा रहा है थ्रू द वर्ड, हम शब्दों के माध्यम से जो है चाहे ऑरली या राइटिंग में, यानी कि शब्दों का यूज करें चाहे हम बोलकर या लिखकर, जब उस कम्युनिकेशन को हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। रिटन कम्युनिकेशन इंप्लाई करता है जब हम रिटन माध्यम से, जैसे कि मैसेज लिख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट इंक्लूड डायग्राम के थ्रू मैसेज भेज रहे हैं, पिक्चर के थ्रू या ग्राफ के थ्रू रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, एग्रीमेंट, ठीक है, ये सब मतलब हम किसी भी तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहे हैं इन द रिटन फॉर्म में, उसे हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इंश्योर दैट एवरीवन कंसर्न हैज द सेम इंफॉर्मेशन। रिटन कम्युनिकेशन यानी कि लिखित संचार ये सुनिश्चित करता है कि संबंधित या सभी लोगों के पास जो है वो समान जानकारी हो। ठीक है, इट प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें यह भविष्य के संदर्भ में संचार का एक स्थायी रिकॉर्ड जो है वो प्रदान करता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, यानी कि यदि आपका आपने कभी किसी से रिटर्न कम्युनिकेशन, जैसे कि आपने किसी को लेटर भेजा है या आपने कोई रिपोर्ट दी है, ठीक है, तो ये क्या होता है परमानेंट रिकॉर्ड, उसका आप अपने पास रख सकते हैं इन फ्यूचर रेफरेंस में भी, यदि आपको एविडेंस के रूप में भी इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो आपके पास बहुत ही वैलिड एविडेंस वो रहता है। अब रिटन इंस्ट्रक्शन आर असेंशियल रहता है व्हेन द एक्शन कॉल्ड फॉर इट्स विटल एंड कॉम्प्लिकेटेड टू बी इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर बोला कि जो रिटन कम्युनिकेशन है वो असेंशियल है व्हेन द एक्शन इज कॉल्ड विटल और कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, कि जब अपेक्षित कार्यवाही या महत्वपूर्ण या जटिल हो तो लिखित निर्देश जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो रिटन कम्युनिकेशन या रिटन आपके पास कुछ भी अवेलेबल है तो आप प्रूव कर सकते हो। और रिटन कम्युनिकेशन शुड भी कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्या कुछ एग्जाम्पल है, तो रिपोर्ट, सर्कुलर, मैगजीन, ठीक है, ये सब क्या है रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, मैनुअल, मेमोरेंडा या न्यूज़पेपर, पिक्चर, डायग्राम, ग्राफ, एग्रीमेंट, रूल और प्रोसीजर बुक या ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, नोटिस बोर्ड, ये सब क्या है आपके रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। एडवांटेजेस क्या है रिटन कम्युनिकेशन की, देखो यहां से यदि क्वेश्चन बन भी जाता है, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ नहीं आएगा दो बार देख लेना कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, डाउनवर्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, ठीक है, और आपके ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया या रिटन कम्युनिकेशन क्या है। अब देखो यहाँ से सवाल तो आप खुद से भी बना सकते हो, जैसे कि यदि assertion reason में पूछ भी लिया तो अच्छे से दिमाग के यूज करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। यहाँ पर बोला कि एडवांटेज क्या है रिटन कम्युनिकेशन की, इट इंश्योर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, की जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन की जाती है वो यूनिफॉर्म मैनर में की जाती है, यानी कि आप जब रिटन में कुछ दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन को रिटन में पास कर रहे हो, तो वहां पर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी यूनिफॉर्म मैनर में दी जाती है और एवरी वन कंसर्न हैज अ सेम इन्फॉर्मेशन, यानी संबंधित लोगों के पास जो है वो समान जानकारी होती है और प्रोवाइड किया जाता है एक परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि यदि आपको फ्यूचर के लिए भी परमानेंट रिकॉर्ड अपने पास रखना है तो आप रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन जो है ये माना जाता है। इट इज एन आइडियल
वे ऑफ ट्रांसमिटिंग लेंथी मैसेज, कि ये लंबे संदेश प्रसारित करने का एक आदर्श तरीका है। यानी कि अब देखो कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो आप जैसे अब फोन कॉल कर रहे हो, कहीं से आवाज नहीं आ रही है, या टेक्निकल इश्यू हो जा रहा है, या सिग्नल का प्रॉब्लम है, तो आप आपका वो इंफॉर्मेशन जो है, मैसेज जो है, वो अच्छा नहीं जा सकता, वहां पर बैरियर आ सकते हैं। लेकिन यदि आप लिख कर किसी को संदेश पहुंचाते हो, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, एक आदर्श तरीका माना गया है, और साथ ही साथ इसका रिकॉर्ड भी आप रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। और इट श्योर लिटिल रिस्क ऑफ अनऑथराइज अल्टरेशन इन द मैसेज, ये संदेशों में अनधिकृत परिवर्तन का कम जोखिम जो है वो सुनिश्चित करता है। फिर है आपका इट इज ओनली मीन ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एट द डिस्टेंस प्लेस इवन बियॉन्ड टाइफोनिकल रेंज, टेलीफोनिकल रेंज, ठीक है, कि ये जो है वो टेलीफोन की सीमा से परे दूर स्थानों पर सूचनाओं के आदान प्रदान का एकमात्र जो है वो साधन है। यानी कि जब आप रिटन में कोई लेटर लिखते हो विदाउट टेलीफोन का यूज करते हुए, है ना, तो वो आपका बहुत ही अच्छा माध्यम माना जाता है एक डिस्टेंट, यदि आप दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हो और एक्सचेंज कर रहे हो अपनी इंफॉर्मेशन को। और इट टेंड टू बी, और ऐसा माना जाता है कि जब भी कम्युनिकेशन जो है वो रिटर्न माध्यम में होगी, तो ये कंप्लीट होगी, क्लियर होगी, प्रिसाइज होगी और करेक्ट होगी, ठीक है। और इट कैन बी क्विटेड एज अ लीगल एविडेंस, और इसको लीगल एविडेंस की तरह भी, जैसे मैंने कहा कि इन फ्यूचर भी यदि आपको रिकॉर्ड के रूप में, एविडेंस के रूप में उसको प्रोड्यूस करना हो, तो भी बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन या बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, यदि इन केस कोई कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो। इट इज सूटेड टू कन्वे मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, और यदि आप न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो भी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे आप कन्वे कर सकते हैं बहुत लार्ज नंबर ऑफ मेंबर तक जो है अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, ठीक है, सेम टाइम में, एक ही टाइम में, सेम लेवल ऑफ, सेम बहुत ज्यादा लोगों तक, ठीक है, एक टाइम में आप बहुत ज्यादा लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब है आपके डिसएडवांटेजेस, है ना, कि जब जब आपके राइट हैं, ड्यूटीज हैं, जब जब आपकी एडवांटेजेस हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो रिटन कम्युनिकेशन की क्या कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो सबसे पहले बोला इट इज एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। यदि आप लेटर भी भेजते हो, तो बाय स्पीड पोस्ट भेजते हो, तो भी जो है काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है, या न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करवा रहे, काफी ज्यादा एक्सपेंसिस है, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है ना, लिखोगे फिर उसको स्पीड पोस्ट करोगे, या न्यूज़पेपर के माध्यम से, या प्रिंटिंग के माध्यम से, कुछ भी कर रहे हो, यानी कि बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग। इट इज डिफिकल्ट है टू मेंटेन सिक्रेसी अबाउट रिटन कम्युनिकेशन, कि लिखित संचार के बारे में गोपनीयता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। लेटर किसी के भी हाथ में आ गया, तो आपकी तो सारी पोल खुल जाएगी, है ना, कि आपने उस लेटर में क्या लिखा है। तो इट इज अ रिजिट एंड नॉट टू प्रोवाइड एनी स्कोप फॉर मेकिंग ऑल्टरेशन और फॉर इन अकोरेंसीज दैट माइट हैव क्रिप्ट इन, ठीक है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लिख रहे हो, चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो तो वहां पर ग्रामर अच्छा होना चाहिए, हिंदी में लिख रहे हो तब भी आपकी मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल आपकी स्पष्ट लिखावट होनी चाहिए, तो यह कठोर है और इसमें आने वाली अशुद्धियों के लिए परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश जो है वो नहीं। इट इज वेरी फॉर्मल, ठीक है, काफी ज्यादा फॉर्मल है, तो लैक पर्सनल टच, तो इसमें व्यक्तिगत स्पर्श का या रहता अभाव रहता है। इट इनकरेज रेड टेपिज्म एंड इन्वॉल्व सो मेनी फॉर्मेलिटीज, ठीक है, इसमें जो है लाल फीताशाही को बढ़ावा देता है, और इसमें कई औपचारिकताएं जो है वो शामिल है। इसकी व्याख्या अलग अलग लोगों द्वारा जो है वो अलग अलग तरीके से की जा सकती है, और जब संदेश लिखित रूप में दिया जाता है, तो अक्सर ये जो है वो क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। अब है आपका ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन इम्प्लाई करता है, यानी कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहे हैं स्पोकन वर्ड्स के माध्यम से, यानी कि ये आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंक्लूड कम्युनिकेशन थ्रू, इसमें आपका यदि आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसके अलावा यदि आप फोन पर, टेलीफोन पर जो है वो फोन कॉल के माध्यम से कम्युनिकेशन कर रहे हैं,
इंटरकॉम या पब्लिक स्पीच दे रहे हैं, यानी कि ऑरली तरीके से बोलकर अपने शब्दों को व्यक्त कर रहे हैं, अपने अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन में अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज ऑरली एंड इट इज जनरली प्रेफर्ड टू रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज ऑरली, कि प्रत्येक संगठन में सूचनाओं का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वो सॉरी ऑरली रूप से जो है वो आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इंफॉर्मेशन आपकी एक्सचेंज करी जाती है ऑरली माध्यम से, और इसे आमतौर पर लिखित संचार के लिए जो है वो प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, और आपके थियो हेमेन ने बताया है, ठीक है, थियो हेमेन पॉइंटेड आउट द ह्यूमन वॉइस कैन इम्पार्ट द मैसेज विद द मीनिंग एंड शेडिंग विच इवन लॉन्ग पेज ऑफ रिटन वर्ड सिंपली कैन नॉट कन्वे, कि मानव आवाज संदेश को अर्थ या छाया के साथ प्रदान कर सकती है जिसे लिखित शब्दों के लंबे पन्ने भी व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, और मौखिक संचार की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये वास्तविक अर्थ आवाज के तरीके या स्वर या संचारक और संचारक के चेहरे के हाव भाव से व्यक्त हो जाता है, यानी कि जब आप बोलते हो यदि आप खुश होकर बोल रहे हो तो आपके चेहरे के हाव भाव कुछ और होंगे, फेशियल एक्सप्रेशन होगा, टोन ऑफ वॉइस होगा, यदि आप गुस्से से बोल रहे हो तो आवाज आपकी बहुत ज्यादा तीखी आएगी, जोर से आएगी। ठीक है, तो इसमें ये सब भी जो है वो आपका शामिल होता है। ठीक है, अब है आपका यहाँ पर बोला कि आवश्यकता और स्थिति के आधार पर यह निम्नलिखित रूप से ले सकता है, यानी कि इट मे टेक द फॉलोइंग फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड सिचुएशन। सबसे पहले आता है फेस टू फेस टॉक, ठीक है, कि आमने सामने आप बातचीत कर रहे हो, वो भी आपका ऑरल में आता है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यानी कि फोन पर आप बात कर रहे हो, टेलीफोन के माध्यम से आप बात कर रहे हो, इंटरव्यू साक्षात्कार कर रहे हो, यानी कि इंटरव्यू आपका लिया जा रहा है, आपका मीटिंग जैसे कि मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, लेक्चर्स दिया जाता है, वो भी आपका ऑरल तरीके से दिया जाता है, ऑरली माध्यम से दिया जाता है। कॉन्फ्रेंस में यदि आपने पार्ट लिया है, सम्मेलन हो रहा है, सिंपोजियम हो रहा है, संगोष्ठी जिसे कहा जाता है, रेडियो टॉक, रेडियो पर आप सुनते हो तो वो भी आपको बोल कर ही सुनाते हैं, टीवी, सिनेमा शोज, ज्वाइंट कंसल्टेशन, संयुक्त परामर्श और अनाउंसमेंट। अब है आपका एडवांटेज ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन की क्या कुछ एडवांटेजेस हैं, है ना? तो इट इज लेस एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल अपने मुंह से जो जबान से बोल देंगे वो आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो कोई खर्चा नहीं आता इसमें। ठीक है, और इकोनॉमिकली एज कंपेयर टू द रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है, और ना ही तो काफी ज्यादा महंगा है और ना ही जो है वो आपका इतना महंगा है, खर्चीला है, यानी किफायती है ना, एंड क्विकर एंड सेव द टाइम, और जल्दी हो जाता है, यानी कि आप बोल देते हो जब ऑरली माध्यम से जब बोला जा रहा है तो ये तेज और समय को बचाता है। इट इज मोर इफेक्टिव है देन द रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन के मुकाबले ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, ये एस्टेब्लिश करता है अ पर्सनल टच एंड लीड ऑफ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, की एक व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है और बेहतर समझ जो है वो पैदा करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग और डाउट को रिमूव किया जा सकता है यदि आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टेलीफोन के माध्यम से कर रहे हैं, तो आप दूसरे पर्सन को पूछ सकते हैं, भैया क्या प्रॉब्लम हुई, है ना, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, यदि कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई है तो आप रिमूव कर सकते हो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को। इमीडिएट रिएक्शन लिया जा सकता है कि यदि कोई पर्सन आपके बारे में कुछ गलत कह रहा है ना, या आप किसी के बारे में कुछ गलत कह देते हो, तो इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है किसी को भी। अब स्टूडेंट का भी जैसे रिजल्ट आया, अच्छा नहीं आया, डिमोटिवेट हो गए, तो मोटिवेट किया जा सकता है इसके माध्यम से। और रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर कैन बी टेकन, ठीक है, और रिसीवर जो कि जैसे कि आप रिसीवर हैं, मैं सेंडर हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रही हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स दे सकते हो किस तरह से, कमेंट बॉक्स में बता के। And it is a most flexible है, and messages can be changed to suit the need and response of the receiver. कि अधिक ज्यादा लचीला है संदेशों को प्राप्त करता की आवश्यकताओं और प्रतिक्रियाओं के रूप में जो है वो बदला जा सकता है। It provide as only mean of conveying
मैसेज इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, या आपातकालीन स्थिति में संदेश पहुंचाने का एकमात्र क्या है, साधन है। यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हो तो आप जो है वो अपनी स्पीकिंग के माध्यम से यानी कि ऑरली तरीके से बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस हैं, फिर आपका ये आता है, अब डिसएडवांटेजेस करेंगे। बाकी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गेस्चर और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसमें मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में नोट्स बनाए हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, काइनेसिस क्या है, ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज्यादा 100% यहाँ से सवाल बनते हैं। काइनेसिस क्या है, पैरालिंग्विस्टिक क्या है, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, प्रोक्सिमिक्स क्या है, और आपका गेज क्या है, हैप्टिक्स क्या है, ठीक है, और अपेयरेंस क्या है, क्रोनोमिक्स क्या है। तो ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। चलो ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन हमने समझ लिया। अब है आपका डिसएडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस हमने समझ ली। डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन हैज फॉलोइंग लिमिटेशन, कि ओरल कम्युनिकेशन की कुछ लिमिटेशन भी हैं और ड्रॉबैक भी हैं। क्या कुछ लिमिटेशन है? तो ये लेस रिलायबल है, यानी कि कम विश्वसनीय है। इट इज फ्लुएंस बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के स्वार्थ और दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। यानी कि जो पर्सन कोई कहेगा वो अपने हिसाब से कहेगा, है ना, तो ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट और एटीट्यूड ऑफ पीपल पर डिपेंड करता है। और ओरल कम्युनिकेशन हैज द टेंडेंसी ऑफ बीइंग डिस्टॉर्टेड, ठीक है, कि मौखिक संचार में विकृति होने की प्रवृत्ति जो है वो होती है। इट प्रोवाइड नो रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है, ये भविष्य के लिए संदर्भ में कोई रिकॉर्ड प्रदान नहीं करता। अब ऑरल बात को आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करोगे तभी आपके पास अवेलेबल रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। और ना ही तो ये सुटेबल है फॉर लेंथी मैसेज के लिए, ठीक है, लंबे संदेश के लिए उपयुक्त नहीं है। इट डज नॉट प्रोवाइड द सफिशियंट टाइम फॉर थिंकिंग बिफोर कन्वेइंग द मैसेज, ये संदेश देने से पहले सोचने के लिए पर्याप्त समय नहीं देता। और साथ ही साथ ओरल कम्युनिकेशन में भाषा की समस्या भी हो सकती है, कि यदि आप कहीं कभी कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं और आपका बोलने का तरीका या कुछ व्यक्त करने का तरीका आपके मैसेज को कुछ और तरह से प्रेजेंट भी करवा सकता है, ठीक है। या इट कैन नॉट बी यूज कम्युनिकेट विद पीपल्स स्केटर्ड ओवर डिसेंट प्लेस, या इसका उपयोग दूर दराज के स्थानों पर फैले लोगों के साथ संवाद करने के लिए जो है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है गेस्चर एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। आपका गेस्चर यानी कि बोलकर रिटन के माध्यम से नहीं बल्कि नॉन वर्बल तरीके से किया जाता है। यानी कि जब ना नॉट मीन की मेयरली रिटन और ऑरल माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है, इसमें इंक्लूड होता है एवरीथिंग। मतलब जिस तरह से आप मूवमेंट कर रहे हो, आप आईज, मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका जो भी आपका टोन या आपका, इसमें हम बहुत अलग अलग चीजें देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जिसमें हम वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, और इसमें आपके टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। और नॉन वर्बल में आपके आते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेसिस क्या है, पैरालिंग्विस्टिक क्या है, जहां पर आपकी टोन ऑफ वॉइस जो है वो देखी जाती है, ठीक है, यानी कि योर टोन ऑफ वॉइस, लाउडनेस, पिच, और फिर आपके बॉडी लैंग्वेज, कि आप किस तरह से बॉडी लैंग्वेज, यानी कि बॉडी लैंग्वेज की स्टडी की जाती है, ठीक है, कि आप यदि सुस्त होके बैठे हैं, इट मींस कि आप जो है वो आलसी हैं, या आप जो है वो नाखून चबा रहे हैं, इट मींस कि आप जो है आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, इस तरह से बॉडी लैंग्वेज को वहां पर स्टडी किया जाता है। प्रॉक्सिमिक्स की वहां पर पर्सनल स्पेस को देखा जाता है, कि जब जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे तो आपका पर्सनल स्पेस कुछ अलग तरह सा होगा, आप अपने फैमिली मेंबर के साथ रहेंगे या आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, तो ये आपका प्रॉक्सिमिक्स की कितना स्पेस जो है रखा जाता है, ठीक है। हैप्टिक्स क्या है, ठीक है, कि टच, लैंग्वेज ऑफ टच, ठीक है।
तो इसको हम जो है वो आने वाले नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस।